ये जो शक्ति तस त्याग तपस्वी का अर्थ आप लोगों ने बना रखा है कि शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार तप करना, ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा सा अर्थ को परिवर्तित किया है। सुन रहे, आप कहोगे क्या परिवर्तित किया है? परिवर्तित आपने भाव कर लिया है, और वो भाव इस तरह से परिवर्तित हो गया कि भाई जितनी शक्ति है उसके अनुसार त्याग करो। क्या भाव आ गया? शक्ति के अनुसार त्याग करो। तो जैसे ही हम ये भाव लाते हैं, जितनी शक्ति है उसके अनुसार करो, है ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, पढ़ते हुए आप लोग है, हाँ कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा है। उस भाव को आपने यहां भी जोड़ लिया, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना। लेकिन अगर हम संस्कृत के माध्यम से देखें, इस शब्द की महत्ता को देखें, तो इससे ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। शक्ति तह, ये जो तस प्रत्यय होता है, ये हेतु अर्थ में आता है, और ये बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो इसके माध्यम से कर रहे हैं, शक्ति से त्याग कर रहे हैं। जब ये बोलते हैं कि शक्ति अनुसार त्याग करो, जितनी शक्ति है उतना त्याग करो, तो जितनी उतनी, ऐसा कह रही हमारे मनोभाव अपने आप गिर जाते हैं, भूल जाते हैं, गिर जाते हैं। गिरने का मतलब हमारी तो इतनी शक्ति है, हम तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे होता ही नहीं है, जो हम करते आ रहे हैं उससे ज्यादा हम करते हैं, तो बस हमको उल्टी होती है कि पलटी होती है कि हमसे फिर वो बनता नहीं है, कि चक्कर आते हैं कि इस तरह से करते करते हम लोग ऐसा मनोभाव बना लेते हैं कि हमारी शक्ति इतनी है, इससे ज्यादा हमसे कुछ होता जाता नहीं है। इस तरह से सोचना भी हमें लगता है कि इस भावना के साथ न्याय करना नहीं है। अगर हम ये मानेंगे कि शक्ति के अनुसार हमें काम करना है, जितनी हमारी शक्ति है हम उतनी कर सकते हैं, तो हमारी शक्ति का भी बढ़ नहीं सकती है, हम अपनी शक्ति को कुंठित कर लेंगे। हमारी शक्ति कभी भी विकास को प्राप्त नहीं हो सकती, या शक्ति में कभी भी ऐसी वृद्धि नहीं हो सकती जो आप कभी सोचोगे हमारी शक्ति भी कभी बढ़ सकती है। अब आप सोचोगे क्या शक्ति भी बढ़ती है? क्या तो शक्ति भी बढ़ती है, शक्ति भी काम में लगाई जाती है। जितनी शक्ति है उसका अगर हम उपयोग करें तो वह शक्ति से शक्ति और वृद्धि को प्राप्त होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, शक्ति के अनुसार तप करना या त्याग करना, जो अनुसार शब्द लगाया जाता है, ये सूत्र में नहीं है कहीं, नहीं तो ऐसे लिखा होता शक्ति अनुसार तस त्याग तपसी, ऐसा भी शब्द बन सकता था अगर यही भाव इच्छित होता तो। शक्ति अनुसार यत् शक्ति यथा शक्ति यथा शब्द में डाला जा सकता था, यथा शक्ति तथा शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक चिंतन का भाव है मन में, वो यही आया है कि यहां पर शक्ति से कहा गया है। शक्ति से का मतलब होता है जो आपकी शक्ति है उसे लगा करके आप त्याग करें, शक्ति से त्याग करें, शक्ति से तप करें। जब हम ऐसा बोलते हैं कि शक्ति से त्याग करो, तो क्या होता है? आप अपनी शक्ति को उसमें लगाएंगे। और जब ऐसा बोलते हैं जितनी शक्ति है उतना कर लेना, तो फिर हम जहां फिर हम वही रहते हैं। हम जो भावना कर रहे हैं वो भावना हमारी शक्ति के अनुसार नहीं, शक्ति लगा के होनी चाहिए, शक्ति से होनी चाहिए। और ये जो शक्ति से भावना की जाती है तो उससे शक्ति बढ़ती है।